सो गाइस दिस इज विंदर और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। सो इस वीडियो को पूरे एंड तक वॉच करना क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी अर्निंग एप्लीकेशन देने वाला हूँ जहाँ से आप सिंपल से गेम प्ले कर अच्छा खासा पेटीएम कैश अर्न कर सकते हो। सो गाइस वो कौन सी एप्लीकेशन है और कहाँ से आपको डाउनलोड करना है सारी जानकारी आपको स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो इस वीडियो को पूरे एंड तक वॉच करना और नए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और उसके साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे टैग कर सकते हो। तो चलो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और बात करते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में। सो गाइस हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और मोबाइल के स्क्रीन पे आने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ कि उसको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक कर इसको डाउनलोड कर लेना। और उस एप्लीकेशन का नाम है प्लेयरपोर्ट जो कि मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको अब क्या करना है डाउनलोड करने के बाद से गाइस सबसे पहले इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कैसे इसमें आपको ना अकाउंट क्रिएट करना है। सो जैसे इस एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा फेसबुक और यहाँ पे गूगल अकाउंट, और नीचे आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देन OTP आएगा और OTP वेरिफिकेशन करने के बाद से आप इसको होम पेज पे ओपन हो जाओगे। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ से कर लेता हूँ और उसके बाद से मैं होम पेज पे ओपन होने के बाद से आपको बताता हूँ कि आगे की प्रोसेस आपको क्या करना है। सो गाइस जैसे यहाँ पे OTP डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एक्चुअली गाइस ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे फैंटसी एप्लीकेशन है और यहाँ पे फैंटसी के साथ ही साथ आपको गेम खेलने का ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो गेम्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो बस आपको गेम्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक यहाँ पे मिल जाता है स्नैक्स लूडो का और यहाँ पे एक मिल जाता है क्विज का। तो आपको यहाँ पर दोनों में से अगर जो कोई भी गेम प्ले करना है तो आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लूडो को सेलेक्ट करता हूँ, प्ले के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से गाइस देखो यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे मेरा बैलेंस देख सकते हो 45 रुपये है। और बंद मैं बता दूँगा जैसे ही आप मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर 25 रुपये का बोनस मिल जाएगा, जिसके बदौलत आप यहाँ से कोई भी गेम में या फिर फैंटसी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने में आप उसको यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि जो आपका एंट्री फी यहाँ पे कितना है और विनिंग प्राइज कितना है और यहाँ पे कंटेस्ट मतलब कितने हैं, लिमिट कितना है और विनर कितना है आप यहाँ से देख सकते हो। और आप जिस भी कंटेस्ट में आपको ज्वाइन करना है बस आपको उस कंटेस्ट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से गाइस आपको यहाँ पर पेमेंट कर यहाँ से क्लिक हो जाना है, यानी कि उसमें उस कंटेस्ट में आपको पार्टिसिपेट कर लेना है और यहाँ से गेम प्ले कर लेना है। और जो भी आपकी विनिंग मनी होगी आप इंस्टेंट अपने पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो गेम्स का ऑप्शंस मैंने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे एक क्रिकेट फैंटसी का मैं और यहाँ पे एक मैच बनाकर टीम बनाकर आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जितने मैच अभी होने वाले हैं सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि क्या बस कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर IPL स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप भी फैंटसी में इंटरेस्ट रखते हो तो आप यहाँ से IPL में अपनी टीम बनाकर अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट मैच यहाँ पे 1 घंटे में स्टार्ट होने वाला है, तो मैं इसी का एक टीम बनाकर आपको बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको टीम क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पे क्रिएट स्क्वाड का ऑप्शन पे नीचे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको 1000 जेम्स मिलेंगे और उसी जेम्स को आपको यहाँ पर यूज कर टीम क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बैटमैन को सेलेक्ट करना होगा, तो बैटमैन आप मिनिमम 3 या मैक्सिमम 6 बैटमैन को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मिनिमम 3 ही बैटमैन को सेलेक्ट करूँगा। जस्ट उसके बाद से आपको बॉलर सेलेक्ट करना है, तो आप मैं यहाँ पे बॉलर को भी 3 ही बॉलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, किसी 3 बॉलर को ठीक ना। मैं यहाँ पे 4 बॉलर को सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे एक ऑलराउंडर का ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ पे ऑलराउंडर को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2 ऑलराउंडर को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसके बाद से एक लास्ट में विकेट कीपर को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, या फिर मैं 2 विकेट कीपर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। और यहाँ पर अब जो आपकी टीम है बनकर रेडी हो चुकी है और यहाँ पर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पर चूज कर लेता हूँ इनमें से और यहाँ पे सेव का ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सेव का ऑप्शन पे क्लिक
क्लिक करूंगा तो अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कंटेस्ट फी आपको मिल जाएगा और आपको यहाँ पे विनिंग प्राइज मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, अब जिसमें भी आप जिस भी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो उस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर कर यहाँ से विनिंग मतलब ज़्यादा पैसा आप जीत सकते हो। देखो कि मुझे जैसे कि 2 रुपये में पार्टिसिपेट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जस्ट मैं पे नाउ पे क्लिक कर कर ये कंटेस्ट को मैं ज्वाइन कर लूँगा। ज्वाइन करने के बाद से गाइस आप देख सकते हो जो मेरी रैंकिंग होगी यहाँ पर, अगर फर्स्ट रैंकिंग आती है तो मुझे 200 रुपये मिल जाएंगे, मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर जाएंगे। तो जस्ट आपको सेम गाइस ऐसे ही आपको फुटबॉल का, बास्केटबॉल का और बेसबॉल का भी टीम आपको क्रिएट करना है। ओके, अब मैं बता दूँ गाइस जो आपकी विनिंग मनी होगी आप उसको विड्रॉ कैसे और कब कर सकते हो। तो आपको उसके लिए यहाँ पे जो 3 डॉट लाइन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से गाइस आपको एक यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वॉलेट का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद से आप गाइस देख सकते हो यहाँ पर अर्न कितने हैं, 18 रुपये अर्न है और यहाँ पे आपको विड्रॉ का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको विड्रॉ का ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, इंस्टेंट विड्रॉ, पेटीएम और बैंक विड्रॉ। बट यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए आपके पास मिनिमम 150 रुपये होने चाहिए, यानी कि 150 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए और आपका KYC वेरिफिकेशन होना चाहिए। और KYC के लिए क्या है गाइस कि यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर सबमिट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे करना होता है आपको। सो गाइस यहाँ पे प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाकर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या और जीमेल और यहाँ पे KYC आपको वेरिफिकेशन कर लेना, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे वेरीफाइड है, वेरीफाइड है। और यहाँ पे 150 रुपये होते ही मैं यहाँ पे तुरंत अगर मैं पेटीएम या फिर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो यहाँ पे इंस्टेंट में कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो डेली का लिमिट है आप यहाँ पे देख सकते हो 50,000 तक डेली विड्रॉ कर सकते हो, ठीक ना, 1,000 से लेकर 50,000 रुपये तक आप यहाँ से डेली विड्रॉ कर सकते हो और मिनिमम आपको मात्र 150 रुपये चाहिए। तो आई थिंक गाइस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।